Here is a girl who is by profession a chartered accountant. Am I right, Riya? Yes, yes, absolutely. क्या करते हो आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मतलब फुल टाइम जॉब में हूँ एक बैंक के साथ। मतलब लोग पैसे गिनते हैं और आप मुझे थोड़ा निकाल लेते हो? हाँ जी हाँ। तो यहाँ कैसे ये हरियाली, ये खेत, वो भी मोस्ट विजिटेड फार्म है यूट्यूब में, यहाँ कैसे पहुँच गए? तो मुझे ऐसे नेचुरल फार्मिंग वगैरह बहुत पसंद था, ऑल्दो मेरे पास अभी कोई लैंड या मैं फार्मिंग में मतलब मैंने कभी किया नहीं है, एक्सेप्ट वो घर पे जो होम गार्डनिंग वगैरह करते हैं उसके अलावा। बट जब यहाँ आके देखा तो कि कितना कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है कर सकते हैं, और अभी मुझे लग रहा है मुझे जाके मेरा प्रोफेशन ही चेंज करना है जल्दी से जल्दी, अब मुझसे जॉब नहीं होगा। तो अगर आपको हम बोलें कि कुछ दो तीन यूनिक चीज़ें जो कह सकते हो यहाँ की USP है आश्रम की या ये ऑर्गेनाइजेशन की या यहाँ की टीचिंग की, तो व्हाट व्हाट विल बी दैट? तो सबसे पहले अगर देसी गाय में हम जो मानते थे वो गिर गाय मानते थे, बिकॉज मैं नॉर्थ से हूँ तो मुझे लगता था देसी गाय मतलब गिर गाय सिर्फ देसी होती है, मुझे नहीं पता था कि गिर गाय में इतनी सारी देसी गाय में इतनी सारी वेराइटीज़ होती है। तो वो सबसे पहले पता चला और उन सब के अलग अलग बेनिफिट्स और वो कितना यूज़फुल है हम सब के लिए, तो वो पता चला जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। सेकेंड थिंग, हम लोग को लगता है कि हम गार्डनिंग में वो कचरा साफ़ कर रहे हैं, पत्तियाँ उठा के डाल रहे हैं तो हम साफ़ कर रहे हैं, बट हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्तियाँ वगैरह मल्चिंग वो बहुत अच्छा होता है गार्डन के लिए। तो एक वो जो चीज़ है जो बहुत छोटी सी है कि सॉइल को कवर रखना चाहिए ताकि सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़े, तो ये बात कभी पता नहीं थी और ऐसे इग्नोर मतलब पता ही नहीं था, तो ऐसा था कि गलती से भी गलत कर रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर रिटेंशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में सीखा, तो ऐसा लगता है कि अब भी हम लोग भी कर सकते हैं, अगर मैं उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ एग्रीकल्चर की, बट फिर भी अभी ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से कि बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी अगर कोई आके भी बोलेगा ना केमिकल डाल के करो, बिल्कुल मेरा मन भी नहीं होगा, मैं इतना अंदर से मोटिवेटेड हूँ कि ऑर्गेनिक में ही करना है अगर करना है तो। तो इसलिए ये बहुत सही, ये बड़ी बात है कि बैकग्राउंड नहीं था फिर भी हम कर पाए, ये कॉन्फिडेंस है। बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस इन द पार्टिसिपेंट्स इज वन ऑफ आवर USPs, यू नो। बिल्कुल, अभी अंदर से इतने स्ट्रांग है, कोई आके भी बोलेगा कितने रुपए भी देगा तो मैं नहीं करूँगी, भले मैं CA हूँ फिर भी। चलो बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।